मजा लग रहा है, मजा मजा वो लोग वहीं सोए हुए थे और हम लोग नीचे उतर चुके हैं, बट अभी हेलो मेरे जिगर के चलो, तो कैसे आप लोग, होप कि आप लोग अच्छे हो, प्लान मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पे हम वैष्णो देवी के लिए हम लोग निकलने वाले हैं, सब लोग रेडी वगैरह हो चुका है, तो डायरेक्ट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, निकल मंजिल की ओर जहाँ हम लोग को जाना है मंदिर। तो सब लोग रेडी हो चुका है, हमारे मिलन भैया और राहुल भैया और बाकी सब लोग यहाँ पे दिखाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में बैठने के लिए सब लोग रेडी हो चुके। तो ग्रुप वगैरह दिखाते हैं, अभी एक बार में 7 को जाएगा वहाँ पे जहाँ से हम लोग स्टार्ट करना, फिर 7 को, और हम लोग इस गाड़ी से है जो कि हमारे मिलन भैया और सौरभ भैया भी रेडी हो चुके हैं। आसमान दिख रहे यार, जोर से बोलिए वैष्णो माता की जय। खाली पैर जा रहा है, खाना खाऊंगा तो मैया आशीर्वाद देगी, मैया आशीर्वाद माता दी। तो हम लोग यहाँ पे चढ़ चुके हैं, देख ही रहे आप लोग गाड़ी पे कौन कौन है। और ये जम्मू का रास्ता आप लोग देख ही सकते हैं इस प्रकार है, अभी ये पूरा जम्मू है भाई, जम्मू तो देखिए कितना सेफ वगैरह, मतलब कि साफ वगैरह है, कितना अच्छा। चलिए अभी रास्ता पे दिखाते हैं आप लोग को। तो भाई गाड़ी से उतरते ही ये माथा हम लोग के ऊपर बांध दिया गया है यहाँ के पब्लिक के थ्रू, क्योंकि ये लगाना चाहिए, शुभ मानता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम नवरात्रि फेस्टिवल, जो कि वैष्णो देवी की तरफ ले जाती है यहाँ पे। और ये यहाँ का मार्केट है, आप लोग देख ही सकते हैं पूरा अच्छा से यहाँ पे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जम्मू पे पड़ती है वैष्णो देवी मंदिर, जो कि अभी हम लोग को लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक तय करना है रास्ता, वो अभी पैदल। और देख सकते हैं कि मैं अभी पैदल ही हूँ, जूता वगैरह नहीं पहना हूँ। तो हम यहाँ से अभी आधा ग्रुप आया 7 को, और आधा ग्रुप अभी आ ही रहा है। और गेट यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, ये रहा गेट, और यहाँ से हम लोग को चलना है उस छोर तक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस मंदिर यहाँ का रास्ता यही पहाड़ों से गुजरेगा भाई, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। बस वीडियो पे आप लोग बने रहिए। और अभी हम लोग टिकट लेने जा रहे हैं भाई, क्योंकि बिना टिकट का तो घुसने नहीं रहा है। और यहाँ पे नारा चल रही है पूरा होश जोश में एकदम, क्योंकि पूरा देख ही सकते आप लोग यहाँ पे, पूरा सेम एज गोल बम की तरह है, क्योंकि गोल बम में यही रोक करना पड़ता था। बट फिलहाल देख सकते अभी टिकट वगैरह हम लोग को मिलेगा, दिखाता हूँ टिकट किस प्रकार है। जय माता दे, 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 नमः पार्वती। कौन क्या है किस प्रकार का है, इसलिए आधार कार्ड प्रूफ है कि ये इंडियन लोग या फिर कोई भी घूम सकता है इसके लिए आधार कार्ड। तो हमको कार्ड मिल चुका है आधार कार्ड के प्रति, तो ये कार्ड दिखाते हैं, ये ले रहा और फिर कार्ड वगैरह मिला है। ए अपना अपना कार्ड दिखाइए जी, लाइसेंस ये हम लोग का लाइसेंस, और ये मेरा है, तो हम भी थोड़ा पहन लेते हैं थोड़ा। तो ये कार्ड रहा, ये आप लोग देख सकते हैं कार्ड यहाँ, और इस कार्ड पे लिखा हुआ है दिस कार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बोर्ड। हमारे मतलब आपको मैं सिखाया, मतलब यहाँ का सैंड बोर्ड है, वो कार्ड दिया गया सब यात्रा गण को दिया जाता है, ये प्रूफ रहता है। अच्छा फोटोग्राफी हो रहा है, कैमरामैन हमारे मिलन भैया। हाँ क्या सीन दिख रहा पीछे, तो देखे सीन क्या बैकग्राउंड मस्त दिख रहा है। हम लोग अब उतर चुके हैं
अब यहाँ पे चढ़ेंगे हम लोग भाई, तो देख रहे यहाँ पे जो होटल था उन्हीं का शायद ये दुकान है, तो हम लोग यहाँ पे रुका हुए हैं और अभी हम लोग चढ़ते हैं, देखते हैं पूजा का सामान लेना है क्योंकि नवरात्रि भी चल रहा है, तो देखते लेते हैं थोड़ा। हम लोग अभी ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, सारा कुछ हम लोग रेडी हो चुका है, बस और दो तीन चार जो भाई है मतलब भैया है वो आ ही रहे हैं, तो उन लोग से चढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते भाई ये घोड़ा, तो ये दिखाता हूँ थोड़ा सीन दिखाता हूँ क्लोजअप पे क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये देख ले भाई यही पहाड़ में पूरा पहाड़ अभी टहलना है मतलब चलना हम लोग को, देख ले भाई क्या दिख रहा भाई, और देख रहे कि पीछे कितना सारा भीड़ है भाई। पहले तो हम लोग डाउन की तरफ चल रहे हैं ये देखते हैं, उसके बाद अप करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग डाउन चल रहे हैं पूरा, अभी सबसे नीचे हम लोग नीचे की ओर पूरा जा रहे भाई, और यहाँ से स्टार्ट होता है अब मंदिर भाई, और देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक वगैरह कितना सारी है, सब लोग यहाँ पे है भाई, और यहाँ से स्टार्ट होता है अब मंदिर की तरफ, और अभी हम लोग यहाँ से लाइन लगे हुए हैं क्योंकि लाइन से जाना है सबको भाई, तो यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इनको कंटिन्यू देखिए जी, राम राम बोल रहा है, नहीं पता क्यों बोल रहा है, फाइनली गाइस हम लोग मंदिर तक पहुंच चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर, ये रहा मंदिर देख सकते हैं, और यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी देख सकते हैं भाई, और यहाँ पे बैग स्कैनिंग हो रहा है भाई। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिरों की कहानी, जो कि पूरा ऊपर तक आपको मंदिर ही मंदिर मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मंदिर भाई, बस बने ले लाइन पे। वैसे इस मंदिरों की सारी कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, बस आप लोग देखने के लिए रेडी तो रहिए। चढ़ने के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं, मतलब चढ़ी गया स्टार्टिंग हो चुका है हमारा, और यहाँ पे हमारे साथ मिलन भैया सब लोग पूरा डांस वगैरह करते मतलब भी बजते हुए जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे घोड़े की सवारी भी बहुत सारा है, जिनके पास पैसा जो नहीं चढ़ पा रहे वो कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं घोड़े वगैरह भाई। अरे भाई भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, हम लोग तो पैदल ही चले गए क्योंकि पैदल में ही बहुत मजा है भाई, बस वीडियो पे आप लोग बने रहिए क्योंकि हर वक्त हर और चीज सब चीज बताते चलेंगे कितना दूर चलना है। मंदिर मिल गया देख सकते हैं आप लोग भाई, और यहाँ तो बीच बीच में पूरा मंदिर वगैरह हर चीज है भाई, मंदिर ही मंदिर एकदम, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर वगैरह यहाँ पे हर चीज का अवेलेबल या फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। ओ भाई यहाँ तो घोड़ा वगैरह आप देख ले, यहाँ पे सीन निकल चुके हैं, और यहाँ से आप लोग को नजारा दिखेगा थोड़ा, और यहाँ पे पहाड़ गंगा ये है, देख ले यहाँ पे ये जगह जगह पे है भाई अवेलेबल इस मंदिर फोटो वगैरह करने के लिए, बस वीडियो पे आप लोग बने रहिए, हमें हर कुछ यहाँ का दिखाने वाला हूँ ताकि अगर आप नहीं आ पाए तो फिर भी आप मजा ले सकते हैं और यहाँ का सीन पूरा देख सकते हैं। चल लिए हैं तो चलना है, अच्छा सही बात सही बात, रुकना नहीं है चलते रहना है, आप लोग प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, पार्वती पते हर हर महादेव। ये कहाँ जा रहे हो भाई? ये गंगा की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग। पहले नदी चलेंगे, नदी यहाँ पे गंगा गंगा पे, तो यहाँ पे चलिए पहले उतरते हैं यहाँ पे नदी की तरफ। यहाँ पे देख सकते सब लोग भाई नहाने के लिए, हम लोग नहाने के लिए यहाँ पे उतरेंगे, नहाएंगे और कपड़ा वगैरह ड्रेस वगैरह जो भी है वो चेंज करेंगे। सब लोग अभी नहाएंगे तो दिखाते हैं आपको सीन। ये देख सकते हैं वाह, ये रहा पहाड़ का नजारा। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं पहले सुधांशु भैया, यहाँ पे सब लोग नहा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं भाई। फिलहाल अभी मैं भी नहाऊंगा यहाँ पे। यही बोलना चाहूंगा कि जब बिंदा जब आओगे ना नहा जरूर जाना, मन फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि नेचुरल से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिक पता ही आता है, बहुत सुकून मिलेगा भाई, मजा आ रहा बहुत भाई। अगर आप लोग आए तो जैकेट वगैरह लेके आए भाई, क्योंकि नॉर्मल नीचे से ही बहुत ठंडा लग रहा है, अभी ऊपर तो वहाँ तक ऊपर चलना है भाई, तो बहुत ठंडा लगेगी अभी हम लोग को, तो हम लोग जैकेट वगैरह लेके आए। अगर आप लोग आना चाहेंगे तो आप लोग जैकेट वगैरह लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ड्रेसअप वगैरह कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे, और आधा तो चल गए आगे तरफ। ये स्विमिंग पूल है भाई। भैया लोग नहा लेंगे, उसके बाद हम राहुल भैया और सौरभ भैया और रितेश भैया लोग मैच में नहाएंगे आराम से भाई। और यहाँ पे पोज दिखा रहे मिलन भैया को, तो देखिए यहाँ पे हर्ष भैया को। और यहाँ फोटोग्राफी, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। अरे हर्ष भैया यहाँ सब लोग इस तरह चिल्ला रहे कि लग रहा है बंदर से कम नहीं है भाई, इतना कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है, पूरा उत्सुक है एकदम, पूरा ज्यादा उत्सुक है भाई। A few moments later. भाई बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा यार फोटोग्राफी करेंगे तो दिखाते हैं थोड़ा फोटोग्राफी यहाँ पे पीछे पीछे करते हैं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग आते हैं तो स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह जो मैं बोल चुका हूँ तो आप लोग लेके जरूर आइएगा भाई, जरूर से जरूर। और थोड़ा सीन यहाँ पे देख सकते हैं नहाने वाले का। और हमारे सौरभ भैया एकदम ऊपर से नीचे देख लीजिए, पूरा एकदम पूजा वाला ड्रेसअप में है, और मैं भी येलो कलर का पहनता हूँ तो अच्छा लग रहा है येलो। मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। तो हम लोग अब फिर से वॉकिंग वाला स्टार्ट हो चुका है, हम लोग चल रहे हैं नहाने होने के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है। और अभी रास्ता पे चल रहे हैं, आगे बताते हैं बस, वीडियो पे आप लोग बने रहिए, क्या क्या है क्या नहीं है सब बताएंगे भाई अब मजा से। फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा दुकान वगैरह दिखा देता हूँ आप लोग को। अरे मम्मी पानी बहुत ज़्यादा, पानी बहुत ज़्यादा मजा। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है भाई यहाँ पे।
फिलहाल अभी हम लोग पानी वगैरह पी रहे हैं क्योंकि बहुत सभी को थोड़ा थोड़ा एक घूंट पानी ज़रूरी है बीच बीच में, तो यहाँ पे पानी वगैरह देख रहे हैं पी रहे हैं भैया लोग सब लोग। और आप लोग आइए तो पानी वगैरह का सुविधा लेके ज़रूर आइएगा, और एक जैकेट ज़रूर, हमें बार बार बोल रहा हूँ कि जैकेट ज़रूर चाहिए क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग मेरे को नहीं लग रही, मेरे को फील अच्छा हो रहा, सुकून मिल रहा है, बट यहाँ पे जैकेट आपको ज़रूर चाहिए अब क्योंकि ठंडी बहुत लगेगी। अभी अभी हम लोग रोड से छोड़ के हम लोग सीढ़ी पकड़ लिए हैं, बट अभी हम लोग का लेकिन यही गलती हुआ है, बट गलती कर चुके हैं तो उसको निभाना है भाई। सबका हालत खराब है, आज जरा यहाँ सौरभ भैया को देख ले। चलते हैं अभी ऊपर तरफ क्योंकि सीढ़ी पकड़ के तो गलती कर चुका हूँ, बट अब लेकिन आप नहीं करेंगे गलती, जो किए हैं उसको कंप्लीट कर लेते पहले। सबका यहाँ पे हालत खराब भाई। चलिए चलिए और यहाँ का सीन देख सकते हैं भाई, ये रहा शहर जम्मू, देख लो भाई यहाँ सीढ़िया तो उतर रही है सारे लोग। भैया का धीरे धीरे कपड़ा उतर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कपड़ा दिखा रहे हैं देख सकते हैं। और हर्ष भैया पीछे तरफ, हर्ष भैया हाल ठीक है ना? अरे वाह, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, देख सकते हैं। देख भाई यहाँ पे देख सकते हो, और अभी हम लोग चढ़ते चढ़ते सबका हालत ख़राब हो चुका है, बट मुझे अभी कुछ नहीं दर्द हो रहा है क्योंकि शायद प्रैक्टिस के कारण, क्योंकि फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ तो शायद उसका असर है जो कि हम लोग का मतलब मेरा नहीं दर्द कर रहा है, बाकी सारे भैया लोग अभी बैठे हुए हैं। और देखिए लक्ष्मी भैया, क्या नाम है इनका भूल गया, नीरज भैया बैठे हुए हैं, हिमांशु भैया, प्रियांशु भैया, हर्ष भैया आए उधर बैठा हुआ है, सब लोग, सौरभ भैया लोग। सबसे ज़्यादा हालात खराब हुआ है हमारे हर्ष भैया का, वो बहुत थक गए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं लेके डंडा लेके। अभी और बाकी है, मंजिल अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी और भी सीढ़ियाँ चढ़ना है, बस वीडियो पे आप लोग बने रहिए, अभी चढ़ते हैं और भी मज़ा आएगा भाई। यहाँ पे आप पीछे का सीन देख सकते हैं भाई, घूमने का भी एक मकसद होता है जो कि मेरा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, तुमको सिखा दिया है? बस खुद को सुकून मिलने के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए घूम रहा हूँ, ताकि लाइफ में मैं घूम सकूँगा, घूम के रहूँगा, तभी तो मैं अपने जगह है। और यहाँ का व्यू मैं क्या बताऊँ, लग रहा है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ गाइस। अभी हम लोग घूम के रहेंगे, अभी हम सुनिए ना, हम लोग अभी घूम के रहेंगे तब ना बीबी को घुमाएंगे। माता रानी है तो काम मैं बनाऊं, परिवार के साथ हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे चेकिंग चल रहा है भाई, पुलिस चेक पोस्ट, लेडीज एंड जेंट्स, और यहाँ पे आश्रम वगैरह, टॉयलेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है भाई। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर पे सारा कुछ, हॉस्पिटल वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पे सारा कुछ फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो कुछ भी होता है यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे सुरक्षा दी जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भाई। ऊपर का सीन देख भाई, एकदम पिंकी पोंकी वाला है, अभी तो चढ़ना बाकी है भाई। भीड़ देख लो भाई, भीड़ भीड़। ये लंगर भवन है भाई, यहाँ पे फ्री खाना वगैरह दिया जाता, प्रसाद वगैरह, तो अब फ्री खाना खाने वाले हैं, मजा आया। क्योंकि पैसा बचाने है भाई, पैसा बचाना है। तो यहाँ प्रसाद के रूप में चावल को भून के दिया जा रहा है, तो आप लोग को दिखाते हैं अभी। ये रहा, देखो
चल 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 आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये चम्मच रहा मेरा यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिला भाई। यहाँ पे सब लोग आराम से खा रहे, फ्री फ्री का खा रहे हैं। अभी दान वगैरह पे अभी हम लोग को देना पड़ेगा कुछ। और यहाँ पे देखिए भाई, देखिए सारा सीन यहाँ से दिखाया जा रहा है आपको। मैं रुकूँ तो दिखेगा आप लोगों को। हाँ देख भाई, और यहाँ पे भीड़ बहुत सारा यार, सब लोग यहाँ पे रेस्ट वगैरह भी कर रहा है, जो कि देखिए भाई यहाँ पे। चलिए चलिए सब लोग यहाँ भाई, सब लोग सोया हुआ यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। मेन मंदिर भाई ये देख सकते हैं एकदम कलरफुल में, इसका कलर चेंज होते रहता है भाई। तो यहाँ पे देखो अभी पिंक पिंक हो गया, अभी रेड हो जाएगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, तो ये कमाल का है भाई। यहाँ पे देख सकते हो भाई फूलों की सजावट और एक घर टाइप से, मतलब महल टाइप से है, जो कि दिख रहा बहुत ही तगड़ा भाई। और तुम देख सकते हो वहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा भाई। व्यू देख भाई, यहाँ से व्यू देख, आप दिखाता हूँ आप लोग को। ये देख भाई, देख भाई क्या सजावट भाई, नवरात्रि है ना, इसके कारण सजावट यहाँ पे बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे। बस बने रहिए, हम मैं सबको सब कुछ दिखाता हूँ आप लोग को। और ये देख भाई, ये देख, ये क्या सीन है भाई ये, ओहो।
यहाँ पे देख सकते हैं भाई। और पीछे का सीन देख सकते हैं, हमारे सारे भैया कोई पीछे का। जय माता दी भाई, जय माता दी। देख भाई देख सजावट, देख सजावट जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है भाई यहाँ पे। और ये सब देख सकते हैं, डेकोरेट किया गया है ना यहाँ पे भाई। भैया साथ पे है, मजा लग रहा है कि नहीं? बहुत मजा, बहुत मजा। ये सजावट देखिए भाई, कितना खूबसूरत भाई, कितना खूबसूरत। तो भाई अब मोबाइल वगैरह यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि मोबाइल स्मार्ट वॉच लेदर वगैरह नहीं यूज करना पाए। तो वीडियो अब आगे की नहीं बना पाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, ट्राई करूंगा। जितनी भी सारी मेन मूर्तियाँ हैं सब इसी के अंदर है, और इसी के अंदर हम लोग को सर्कल टाइप से लगाना है भाई, हम लोग को पूरा। तो इसके अंदर मजा बहुत आने वाली है क्योंकि इतनी बड़ी महल टाइप का है और इसमें मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। चलो फिर इंजॉय करते हैं। 378 उसके बाद एक क्या है, कितना रूम रूम नंबर बोल रहे? 200 में अपना सामान वगैरह फोन वगैरह रख रहे हैं, आगे नहीं ले जा सकते फोन, तो अभी यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद मिलेंगे, फिर जब फोन लाएंगे फिर भी ले जा सकते हैं। फाइनली उस जगह से निकल गए, अब आप लोग को दिखाएंगे पूरा फुल व्यू, आधा तो दिखाए थे आधा नहीं दिखाए, तो आप लोग को सारा कुछ फुल व्यू दिखाते हैं। तो अभी कंटिन्यू चलेंगे हम लोग साथ में और आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे भाई, क्योंकि व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर भाई, जो कि बहुत ही हालत खराब हो गया सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे भैया लोग का, बाकी मंदिर तो जस्ट वहीं पे है सामने में, दिखाएंगे अभी थोड़ा सा व्यू आप लोग को। यहाँ पे देखो भाई घोड़ा घोड़ा, हाँ भाई यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था जिसके कारण हम दिखा नहीं पाए, तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, हम तो दर्शन वगैरह कर लिए, सॉरी दिखा नहीं पाए क्योंकि कैमरा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं था यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग अभी डायरेक्ट चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे भी चढ़ना है। फाइनली सारा दर्शन वगैरह हो चुका हम लोग का, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा रात बिताएंगे, मतलब कि पूरा, क्योंकि हम लोग का सारा दर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब किसी तरह हम लोग को रात यहाँ पे बिताना है, तो बिता लेते हैं पहले। भाई मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग का सीन बहुत ही अजीब दिख रहा है, वैसे मुझे बहुत ठंडी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। मैं बोला था ना कि स्वेटर वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं ऊपर से हम लोग को नीचे आना पड़ा, मैं और प्रीतेश भैया हम लोग नीचे आ चुके हैं। अब देख सकते हो वहाँ पर प्रीतेश भैया है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा, अभी ठंड आई भी नहीं है और ठंडा का मज़ा हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये पहाड़ का सीन, जो कि मॉर्निंग का व्यू आप लोग को दिखाते हैं कि मॉर्निंग में किस प्रकार यहाँ का शो या फिर व्यू दिखता है भाई। रात में चढ़ते वक्त तो ये रास्ता जो दिख रहा है थोड़ा, तो रात में तो अंधेरा अंधेरा टाइप का था, और बट अभी थोड़ा मॉर्निंग में व्यू दिखाता हूँ आप लोग को, और ये पहाड़ भी वगैरह भी थोड़ा दिखा लेता हूँ आप लोग को। यहाँ से तो जाली वगैरह दिया हुआ,
जो कि भाई बहुत ही खतरनाक दिख रहा है यार। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी तो धूप उगा नहीं है, उगेगा तो अच्छा से दिखेगा। भाई तुम लोग का मामा, भाई तुम लोग का मामा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अरे भाई हम तो तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि और भैया लोग जो भी है वो लोग वहीं सोए हुए थे और हम लोग नीचे उतर चुके हैं। बट अभी हम लोग अभी बहुत ही ऊपर है, अभी नीचे उतरना बहुत लेट है, अभी लगभग 6 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ पे एक सीन देखिए कि यहाँ पीछे तरफ बैकग्राउंड में कितना ऊपर से कितना अच्छा यहाँ पे सीन दिख रहा है भाई। और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पैर वगैरह दर्द कर रहा है भाई। और हमारे प्रीतेश भैया भी बोल रहे हालत ख़राब हो गया। बट अभी 6 किलोमीटर चलते हैं, किस पल और क्या लगा अभी डे का भी सीन आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह है आप लोग। अब फिलहाल मैं भी स्वेटर वगैरह खोल चुका हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लगने लगी। उतरते उतरते और ये ठीक है ना आलू, और जरा देखिए तो कैसा लग रहा है। वाओ, वेरी डेंजरस। और हमारे प्रीतेश भैया थोड़ा रिलैक्सेशन लेंगे यहाँ पे और इनसे पूछेंगे कि इससे क्या होता है। मजा आ रहा है। फिर बताइएगा फीडबैक। हमारे प्रीतेश भाई यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन ले रहे हैं क्योंकि पहली बार ये ले रहे हैं, पहले कभी नहीं लिए थे। तो बोले 30 रुपये में 15 मिनट, तो चलो भाई करवा लो, तो ये करवा रहे हैं। फिर पूछेंगे इनसे फीडबैक। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि प्रीतेश भैया का जो मुंडी इधर उधर घूम रहा है, वो घूम नहीं रहा, वो पीछे तरफ से घुमाया जा रहा है मशीन के थ्रू। और बैक बैम भी होता है, दिखाता हूँ मैं, इससे बैक वगैरह से होता है और ये सर घुमाता है, रिलैक्सेशन देता है। और यहाँ पे पैर वगैरह का जो कि देख सकते हैं, पूरा मजा ले रहा है भाई, मजा लग रहा है, मजा। और अभी 1 किलोमीटर बस बचा हुआ भाई मंजिल तक। और अभी हम लोग होटल वगैरह को भी कॉल किए थे, मतलब जो मैनेजमेंट हम लोग कल लिए थे रूम वगैरह, तो वो बोला अभी कोई बंदा नहीं पहुंचा है। तो चलो अच्छा है कि कोई नहीं पहुंचा है, फर्स्ट में हम लोग भी पहुंचेंगे। अभी ये बताया गया, अब नहीं पता कि पहुंच भी सकता है। तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर बस बचा हुआ, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे, तो हम लोग का रामायण यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं नीचे, नीचे पे आप लोग से बात करेंगे। और ये कार्ड जो मिला था, अब ये वापस करना है, तो वापस कर दूंगा ये कार्ड। तो फाइनली गाइस हम लोग वापस घूम चुके हैं और हम लोग नीचे पूरा तक आ चुके हैं। अब डायरेक्ट हम लोग चलना है रूम वगैरह, तो रूम चलते हैं डायरेक्ट। अब थोड़ा नीचे से व्यू देख लो भाई, ये थोड़ा देख लो भाई। डे में नाइट का सिर्फ दिखाया था आप लोग को, अभी डे का दिखा देता हूँ आप लोग को। तो फाइनली गाइस हम लोग पूरा निकल चुके हैं, और पीछे दिखता ही होगा वहाँ पे ये पहाड़ वगैरह। तो हम लोग पूरा निकल चुके हैं, बट हम लोग दोनों, हम और प्रीतेश भैया अकेले हैं, बाकी ग्रुप कहाँ है नहीं पता। कॉल वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि पूरा यहाँ दो दिन से पूरा ऑफ है, वगैरह बात वगैरह नहीं होती है, नहीं लग सकता कॉल वगैरह। One eternity later. तो फिलहाल मैं ग्रुप से पूरा मिल चुका हूँ और रूम वगैरह जाके भी मैं नहा वहाँ लिया हूँ, क्योंकि मुझे परेशानी थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लोग खोज रहे थे क्या मुझे, बट खोज रहे थे, मेरा गलती था कि मैं बिना बोले आ गया हूँ, मैं आप रितेश भैया। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए वो सब बात हटाते हैं और अभी हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि कल हम लोग को निकलना भी है। तो अभी खाना खाने हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे यात्री का जय माँ वैष्णो पंजाबी ढाबा, तो हम लोग यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे।
खा रहे भाई सब लोग। और ये आ गया पनीर। तो गाइस अभी हम लोग रूम वगैरह आ चुके हैं और फाइनली जान बचा के सब लोग आ गए हैं, क्योंकि गाली भी बहुत सुनना मिला, क्योंकि यूं ही भाग गए थे, बताए थे बट उतना एक्यूरेट नहीं बताया था। तो अभी हम लोग रूम आ चुके हैं। तो वीडियो पे अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय, टेक केयर।